हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैंने अपने लिविंग एरिया का मेकओवर किया है और ये दिवाली स्पेशल मेकओवर है, तो आप लोगों को भी इसमें आइडियाज़ एंड टिप्स मिलेंगे अपने घर को, अपने लिविंग एरिया को, ड्राइंग रूम को डेकोरेट करने के लिए। तो इसमें मैंने बहुत सारे DIYs किए हैं और उन्हीं से ही मैंने इस अपने लिविंग एरिया को सजाया है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को इसका टूर करवा देती हूँ कि मैंने कैसे इसको डेकोरेट किया अपने लिविंग एरिया को। और मेरे पास जो भी चीज़ें थी घर में अवेलेबल, मैंने कुछ भी नया ख़रीदा नहीं है, उन्हीं से ही मैंने अपने लिविंग एरिया को सजाया है। तो आप लोग भी इस दिवाली अपने लिविंग एरिया को ऐसे सजा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो टीवी यूनिट के ऊपर है उसके ऊपर मैं लगा रही हूँ एक मेरा ये स्टॉल, या फिर आप दुपट्टा कह लीजिए। अगर आपके पास में कुछ अच्छे प्रिंट के दुपट्टे हैं, एथनिक प्रिंट के, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये वाला दुपट्टा यूज़ कर रही हूँ और इसके ऊपर लगाऊंगी और फिर हम इस टीवी यूनिट को पूरा डेकोरेट करेंगे। और इसके बाद इसके ऊपर मैं रखूँगी मेरी एक DIY की हुई रंगोली जो मैंने लास्ट ईयर की थी। इसका वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप चेक कर लेना। तो ये रख दूँगी और साइड में रख दूँगी दो कैंडल होल्डर्स। तो ज़्यादा ही थोड़ा सा येलो ऑरेंज ज़्यादा कलर हो रहा था, तो मैं यहाँ पे ये ब्लू कलर के जो कैंडल होल्डर है वो रख रही हूँ। तो यहाँ पे टीवी यूनिट का पूरा डेकोरेशन जो है वो कंप्लीट होता है। सारी मैंने छोटी छोटी सी चीज़ें जो मेरे पास थी उन्हीं से ही अपने टीवी यूनिट को सजाया है और एक फेस्टिव लुक दिया है दिवाली के लिए। तो अभी मैं इन कैंडल लाइट्स जो मैंने रखी हैं उनको मैं जला के भी लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि नाइट में कैसा व्यू होता है इसका। और इसके दूसरी साइड में मैंने एक मनी प्लांट हैंग कर दिया है और उस पर मैं फेरी लाइट्स डाल दूंगी जो कि रात में बहुत अच्छी लगती है जलती हुई। और इसी वॉल के नीचे जो है, मतलब इसी वॉल के साथ में हमारे सोफ़े रखे हुए हैं। तो यहाँ पे ये ऊपर आप देख रहे हो, ये मैंने DIY की थी, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने कैसे किया है। और बहुत ही अच्छी लगती है ये वॉल पे ये वाला DIY। तो ये वॉल आर्ट आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इसके लिए मैंने जो मेरे पास फ्रेम रखे हुए थे फ़ोटो फ्रेम, वो लिए हैं और साथ में लिया है फैब्रिक, कुछ ऐसा फैब्रिक एथनिक वाला जिससे कि फेस्टिव लुक आए, वो वाला आप लीजिएगा तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने एक ये ब्लू और गोल्डन और एक पिंक और गोल्डन वाला फैब्रिक लिया है और दोनों को मिक्स एंड मैच करके मैं ये वॉल आर्ट बनाने वाली हूँ। तो बस आपको अच्छे से प्रेस कर लेना है पहले कपड़े पे जो भी ये फैब्रिक ले रहे हो, और फिर इनको अच्छे से जैसे डिज़ाइन में आप चाहो वैसे इस फ्रेम में लगा देना है और आपका एक वॉल आर्ट रेडी हो जाता है। तो ये वाला ज़रूर आप ट्राई करिएगा DIY इस दिवाली। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाला DIY कैसा लगा है। बहुत ही इजी है बनाने में और दिखने में बहुत सुंदर लगता है, और दिवाली पे तो ये जैसे कि अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है तो बहुत ही अच्छी लगने वाली है आपकी वॉल्स अगर आप ऐसी कोई वॉल आर्ट बनाते हो तो। इसके बाद आती है बारी सोफ़ों की। तो सोफ़े जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारे एकदम प्लेन ही है, तो मैंने इनके लिए कुछ भी बाहर से नहीं ख़रीदा है। तो आप सोफ़े जो हैं उनको एक फेस्टिव टच देने के लिए आप दुपट्टे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बनारसी दुपट्टे आजकल बहुत ट्रेंड में है, या फिर आपके पास कोई स्टॉल हो तो। तो मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ ये पिंक कलर का, पिंक एंड ब्लू एंड गोल्डन का कॉम्बिनेशन वाला एक दुपट्टा, और लगने के बाद आप देखेंगे कि एकदम सोफ़े का जो लुक है वो चेंज हो जाएगा। और बस अभी मैंने ये दुपट्टा लगाया, इसके ऊपर मैं रख दूंगी इसी से मैचिंग ब्लू कलर का एक कुशन। तो इसके ऊपर मैं ये ब्लू कलर का कुशन रख रही हूँ जो कि इससे अच्छे से मैच कर रहा है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। और हमारा जो सोफ़े हैं वो एकदम रेडी हो चुके हैं और इसके ऊपर मैंने ये कुशन रखे हैं, ये मैंने अमेजोन से मंगवाए थे, इनको काफ़ी टाइम हो गया मंगवाए हुए, तो ये रख दिए हैं और हमारे सोफ़े एकदम रेडी हैं और दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है। तो आप सोफ़ों पे ऐसे कुछ कुशन ब्राइट कलर के रखते हैं तो एकदम से ही आपका जो सोफ़े का लिविंग एरिया का लुक है वो चेंज हो जाता है और बहुत ही सुंदर लगता है। तो आप ऐसे सोफ़े जो कुशन कवर है वो ट्राई कर सकते हैं और ये हमारा यहाँ पे रेडी होता है। अब बारी आएगी हमारी सेंटर टेबल की, तो उसको मैं कैसे डेकोरेट करती हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अभी सेंटर टेबल पे भी मैंने एक दुपट्टा यूज़ किया है पीच कलर का, पीच और इस पर गोल्डन प्रिंट हुआ है।
तो ये यूज़ किया है। साथ में मैंने एक ड्राई फ्रूट का बॉक्स रख दिया है और साथ में ही मैं कैंडल लाइट्स होल्डर रख दूँगी। तो बस मैं इसको इतना ही सिंपल रखने वाली हूँ अभी के लिए। और सेंटर टेबल डेकोरेशन आइडियाज़ का मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी, जिसमें तीन चार अलग अलग स्टाइल से मैं आप लोगों को आप अपने सेंटर टेबल को दिवाली के लिए कैसे रेडी कर सकते हैं, कैसे डेकोरेट कर सकते हैं, उसका मैं वीडियो जो है इस वीडियो के बाद में लेके आऊँगी। तो अभी के लिए मैंने सेंटर टेबल को एकदम सिंपल रखा है। तो ये हमारा सेंटर टेबल का लुक होता है यहाँ पे कंप्लीट। और ये छोटी सी टेबल भी मेरे लिविंग एरिया में रहती है, इस पर मैंने इंडोर प्लांट रखा हुआ है, इसको भी मैं डेकोरेट कर रही हूँ। और इसके लिए मैंने जो मटकी DIY की थी, इसका वीडियो आप चेक कर सकते हैं और मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, या फिर मैं इसका लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। और इसके साथ में ही ये एक आर्टिफिशियल जो फ्लावर्स की गार्लैंड है वो मैं इस पे रख रही हूँ, मटकी में कुछ डाल रही हूँ, और जो ये प्लांटर रखा है उसके बाहर से मैं इसको लगा दूँगी। और साथ में ही एक छोटी सी और मटकी या जो क्ले पॉट होता है वो भी मैंने DIY किया था, तो उसको मैं एज ए कैंडल लाइट होल्डर यूज़ करूँगी। तो इसमें मैंने पानी डाल दिया है और ऊपर से मैं इसमें टी लाइट रख दूंगी और इसको जला दूंगी अच्छे से, और बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा हमारा टेबल जो है वो रेडी हो जाएगा। तो मैंने DIY की थी चीज़ें उन्हीं से ही सजाया है, कोई मैंने स्पेशल महंगी चीज़ें नहीं खरीदी है, बस इन्हीं से ही अपने छोटे से लिविंग एरिया को एक मेकओवर दिया है और इस दिवाली के लिए रेडी किया है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा है। और अभी मैं पूरा लिविंग एरिया का टूर दे देती हूँ आपको कि ये दिन में कैसा लग रहा है, और जब रात में हम सारी कैंडल्स और जो ये फेरी लाइट्स है ये ऑन कर देते हैं तो फिर कैसा इसका लुक आएगा और ये कैसा लगेगा। तो मैं आप लोगों को एक टूर दे देती हूँ और फिर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको अच्छा लगे ये वाला वीडियो, और सब शेयर भी कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जिसने भी अभी तक नहीं किया है। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो आप टेबल्स के देखेंगे कि आपको अपने टेबल को सेंटर टेबल को कैसे डेकोरेट कर सकते हो इस दिवाली के लिए, जिससे कि वो अच्छा लगे, एकदम प्रेजेंटेबल लगे। तो ज़रूर आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ नाइट व्यू कि कैसा लगेगा। तो सारी कैंडल्स ऑन करने के बाद में बहुत ही अच्छा लगता है हमारा लिविंग एरिया।